फोटो शूट चालू है उधर। अरे रुकिए उधर ही रुकिए। हाँ यहाँ पे और हमारा सेकेंड एपिसोड जो नेक्स्ट होने वाला है वो मीनाक्षी जी आने वाली है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और अभी मास स्पेशल एपिसोड चल ही रहा है हमारा और बहुत इमोशनल हो रहे हैं हम सभी लोग और बहुत खूबसूरत चल रहा है एपिसोड। अनिता, आप हमेशा अपने शोज की वजह से बाहर रहते हो, कई बार होता होगा मम्मा से फ़ोन पे बात होती होगी, वीडियो कॉल हो जाता होगा, लेकिन कितना मिस करते हो एक्चुअल में, क्योंकि आप तो बचपन से यू नो यू आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू योर मदर। एक्चुअली क्या है, मैं मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज, तो पापा से उतना नहीं हूँ जितने मैं मम्मी और मैं मेरे भाई से हूँ, पर पापा उतना जताते नहीं है ना मेरे, तो वैसा वाला है थोड़ा सा। तो बचपन से मम्मी के साथ ही रही हूँ मैं, और एकदम से अभी जब से आइडल हुआ उसके बाद से मेरे को मुंबई में रहना पड़ रहा है, तो हम सभी को एक्चुअली मिस तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, जितना बोलूँगी करती हूँ उतना कम होगा, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मम्मी आपके फेस पर से दिखाई दे रहा है। कई बार आप बहुत इमोशनल होकर रो भी देती हैं, ऐसे में कैसे संभालती हैं, क्या मम्मी डांट लगाती हैं? कोशिश करती हूँ कि रो ना, फिर भी हो जाता है क्योंकि मम्मी है इसलिए हो जाता है। अच्छा, एक जो फैंस आए थे लास्ट टाइम आपके, बहुत तरीके से उसने बहुत अच्छे से आपने टैकल किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था फैंस को टैकल करना? कुछ नहीं, सबसे पहले मैम क्या हाल चाल है आपके, आ जाओ दादी। सबसे पहली बात, फैन जो भी आते हैं हमारे लिए बहुत खुशी होती है, सीने की बात होती है कि वो आते हैं हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए खुशी से आते हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई आए हैं, आए थे मेरे लिए। और बस टैकल क्या करना है, रिस्पेक्ट देना होता है, इन्होंने पर रिस्पेक्ट दिया, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू। फोन भी आ गया, अरे फोन में बात है, फोन में बात है, फोन बात में आ गया है। एक मिनट जी, बाप रे बाप, चलो चेक आउट कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इधर देखिए, इधर बैक बैक बैक, पीछे पीछे, इधर ही इधर ही भाई जाइए। थैंक यू, हां धन्यवाद। भाई इधर है सेंटर में, अजय इधर है, बस ध्यान किधर है, अजय इधर है, कौन भाई इधर लेफ्ट में, पवन भाई आज के कुछ एपिसोड के बारे में बताइए, मार्च के ऊपर है तो जोर सारी मम्मियों को थैंक यू कह रहे हैं, थोड़ा सा लाउड सर, जोर से बोलिए भाई, थोड़ा सभी मम्मियों को थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज पीछे लोग उनकी वजह से हम लोग करने का मौका मिला है। आज तुम फोन छोड़ दे मौके स्पेशल है, तो बहुत ठंडी आ रही है, ऐसे भी करके मैं तो रोक रहता है, मतलब मैं तो अंदर से रोता हूँ, तो रोना तो आता ही है सभी को, और अकेले जाके रो लेता हूँ, पर आज तो रोना ही नहीं कर गया, तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं। थैंक यू, अरे रुको यार, एक सवाल है, नहीं चाहिए भाई, मोबाइल पीछे ले, भाई मोबाइल, 20 मिनट सर, 10 10 आ जाओ, आ जाओ फोन पे, आ जाओ फोन पे, आ जाओ।
फोटो चाहिए था ना पवन भाई, इसको एक फोटो चाहिए। धन्यवाद भाई। भाई हट हट, ये हटो ना यार। एक नाइस टाइम। रुकिए मैम, गर्मी हो रही है। कैसे मैडम आप? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। माइक दिख रहा है। ओके डैड, थैंक यू गाइस। चलो चल चल आ जा रहा है। चलेगा चलेगा, एक्सपीरियंस है इन लोगों को। नया मैम इधर इधर नहीं 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 दिख रहा है, बीच में आ गई यार। अभी दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे वापस से। वाह, सुपरस्टार सिंगर, डू वॉच इट। अरे अमन भाई, क्या कुछ भी कर रहे हो? खाना वाना हो गया सब लोगों का? नहीं हुआ भाई खाना वाना। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, खाना खिलाएंगे आप लोगों को? भाई रात में खाया था उसने। हमारे लाइफ में दो ही चीजें, खाना और गाना। क्या आदमी है यार, वो भी होता है भाई लाइफ में, वो भी जरूरी चीज है। सही है बेटा, सही है। चलो खाना और गाना बस, और कुछ नहीं। साथ में कर आओ साइली, आ रहा ये हमारे साइली, बहुत अच्छा गाइली। नेक जोड़ी इससे कुछ और थोड़ा नया बोल सकते हैं? थोड़ा क्लोज आइए, क्लोज आइए। पुरानी हो तुम, पुरानी हो तो इसलिए पुराने ही शब्द बस यही होता है, हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा। बात है साइली जी, यहाँ देखिए सामने आप, यहाँ पे आपका सोलो, आप अच्छे लग रहे हो आज। यहाँ पे देखिए अली जी, राइट में भाई कैप्टन ऑफ द वीक। यस भाई, पिछले हफ्ते बन गए थे कैप्टन ऑफ द वीक और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया था हमारी टीम ने। सारे बच्चे अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह, और मैं तो इतना खुश होता हूँ अभी देख के। आज भी इतनी प्यारी प्यारी परफॉर्मेंस हुई है, एक तो इतना इमोशनल एपिसोड हो गया है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल। हम तो सब रो ही रहे हैं, मैं तो रो ही जा रहा हूँ। और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं यार, ये माँ स्पेशल हम बना रहे हैं। अपनी मम्मी को, अपने पापा को यार प्यार करो जितना हो सके, उनका सम्मान करो, बिकॉज माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो अपनी मम्मा को कोई स्पेशल गाना आपने क्या उनको बुलाया, या स्पेशल गाना गा के उनको याद किया, कैसे याद किया?
बिल्कुल सभी लोग अपनी मम्मी के लिए, आज बच्चे ना लेटर लिख के लाए हैं मम्मी के लिए, प्यारा सा लेटर लिख के लाए हैं और सब वो यादें आ रही हैं मुझे। मैं तो देख रहा हूँ यार कितना एक अलग ही रिश्ता होता है, मतलब माँ का जो प्यार है ना वो माँ से बड़ा कुछ नहीं होता, जन्नत भी माँ से बड़ी नहीं होती। अल्लाह ने ना जन्नत कदमों में डाल दी है माँ की, तो माँ की खिदमत करोगे जन्नत में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, मजे करोगे। मदर, मैं मम्मी को गिफ्ट तो देता ही रहता हूँ और आज भी जाके मैं गिफ्ट दूंगा। और जब इतना इमोशनल हो गए तो मैंने कॉल किया मम्मी को, मेरी मम्मी ना लेट तक उठते हैं, लेट तक जागते हैं, तो लेट तक मतलब उठते हैं 11-12 बजे उठते हैं। मैंने फ़ोन किया मम्मी को, मैं क्या मम्मी की याद आ रही है, बहुत ही इमोशनली एपिसोड हो रहा है, मतलब भी बोला मम्मी को, मैं बोलता रहता हूँ आते जाते हैं, प्यार करता रहता हूँ अपने मम्मी को। थैंक यू भाई, आइए हर्ष भाई, नाइस कलर काम होता है, डिजिटल भी, यूट्यूब भी, यस। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंदर बहुत इमोशनल माहौल हो चुका है यार, मदर स्पेशल कर रहे हैं। अच्छा। और जब माँ की बात आती है तो सब इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बच्चे इतना प्यारा गा रहे हैं, इमेजिन करके देखो प्यारे प्यारी आवाज़ में माँ के लिए गाने जब गाएंगे तो सबका दिल मतलब एकदम रो पड़ता है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे थैंक यू सो मच, पॉडकास्ट आप बस देखते रहिए। मनोज वाजपेयी वाला तो और अच्छा था ना, मनोज जी इतने कमाल के इंसान है ना, मेरे को तो लगा था बहुत इंटेलेक्चुअल है, उनके साथ थोड़ी ऐसी, उनके पास हर तरह का माल है भाई, वो मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्कर आदमी है, उनके पास हर तरह का माल है जो कि उन्होंने पॉडकास्ट में हमको दिखा दिया। विराट कोहली को कब बुला रहे थे? विराट कोहली जब आ जाए भाई, हम तो मतलब धन्य हो जाएंगे अगर वो आएंगे। ठीक है, फिलहाल किस लिए देखते हैं तू, कितना पैसा आ रहा है इसलिए? गाना अभी एक गाना लिख दिया है, गाना ट्रेंड भी कर रहा था, अभी अगला गाना लिखने के लिए सोच रहा हूँ, तो जैसे ही अभी ऐसा एक आध दो महीने में सोच लेंगे तो भी गाना आ जाएगा। दोनों का साथ में आएगा? हाँ, अभी मेरा और भारती का गाना आएगा। ओह, इस बार मैं और भारती आएंगे। कश्मीर में शूट किया? कश्मीर में करें, चलो डन कश्मीर में करते हैं। देखता रहता आपका चैनल ना भाई, कितना पैसा आ रहा है उधर से। अरे मोनेटाइजेशन देखो, यूट्यूब मोनेटाइजेशन से बहुत कम पैसा आता है, ये सब बातें हैं, इतना कोई ग्रेट पैसा नहीं आता। हाँ आता है, मतलब ठीक ठाक होता है, करोड़ों में नहीं आता भाई। भाई तुम बता किसको रहे, उसको आता है बहुत, उसको मालूम है सब, कितने व्यूज आते हैं भाई। दो दो फोनों से तुम दो दो चार चार चैनलें चला रहे हो और मुझे बोल रहे हो जो बेचारा एक चैनल चला रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गाइस, ब्लॉग कर रहे हैं। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक, अभिषेक दीक्षित के ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये फिल्म सिटी में घूमते रहते हैं, सबको शूटिंग दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।